से हम लोग इधर से शुरू करता हूँ। पहले बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट चीज डोसा खाया, सेकेंड चीज छोले भटूरे खाया, तीसरा बिरयानी खाया, देन बहुत ज़्यादा इंडियन फैंस आए हुए हैं यहाँ पे। कभी इसके अंदर आने के बाद, इंडियन हाउस के अंदर आने के बाद ऐसे नहीं लगा कि हम लोग फ्रांस में हैं। अभी डेफिनेटली इंडिया का ही एक फीलिंग आ रहा है और लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। एंड सेकेंड चीज़ बिग डिसअपॉइंटमेंट था हमारा जो सेमी में जब हार गया, बट वापस घर जा रहे हैं एक मेडल के साथ, वो बहुत बड़ा बात है। तो सब घर, हम इधर पांच लोग हैं, बाकी सब चले गए। हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वेट कर रहा हूँ। और एंड नेक्स्ट कोचिंग, अभी तो एक हॉकी इंडिया से ऑफर आया है, बोला सर से बात हुआ है, अभी घर जाना है, घर वालों से बात करना है, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लेना है। आज आपका मेडल तो आ गया है, मेडलिस्ट की आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट के लिए। विनेश फोगाट का 6 बजे वर्ल्डिक आने वाला है, अगर उसका मेडल आज उसके फेवर में आता है तो कितना बड़ा हो जाएगा? देख, जो बोगट ने दिखाया है वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ क्या क्या कुछ हुआ उसके साथ जो पिछले साल में, जो पुराने टाइम पे, वो सब छोड़ के उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, स्पिरिट दिखाया, फाइट बैक किया हर एक होड़ के साथ, ओड़ों के साथ उसने फाइट बैक किया और अभी फाइनल तक पहुँच गया। और एक शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए सबके लिए, जैसे पूरा देश में जितना शॉकिंग हुआ हमारे लिए सबके लिए वही शॉकिंग न्यूज़ था कि अरे यार आप फाइनल में पहुँच के आप एक दिन आके बोल रहे कि नहीं आपके पास आपको मेडल नहीं मिलने वाला और आप सबसे लास्ट में हो, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करना। बट स्टिल हम उसके साथ ही है और डेफिनेटली आज शाम को मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अरे यार एक पॉजिटिव रिजल्ट आए ताकि हमारे लिए एक सिल्वर गोल्ड का कमी नहीं है। टाइगर अभी जिंदा है, जिंदा है सर। सर ये मेरा टीम का वजह से मिला उसका सच में, क्योंकि जो टीम ने मेरे साथ दिया है पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक, ये लोगों ने मेरे लिए खेला है। तो जो हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि गोलकीपिंग एक थैंकलेस जॉब है, इसका वजह भी है क्योंकि आपको पता है कि अब जितना भी सेव करो आखिर लोगों ने सिर्फ एक ही बात करता है, जो मैंने जो गोल कंसीड किया है, बट प्लेयर्स के बारे में थोड़ा अलग से है। अभी संजय इधर बैठा है, ये लोग को पता है कि कितना भी गोल तुम लोगों ने मिस करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आखिर एक गोल मारो तो लोगों का बात वही गोल पर रह जाता है। तो गोल कीपिंग इज़ बिट टफ है, बट मैं खुश हूँ जहाँ पर मैंने मेरा कैरियर एम किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए एक कैरियर में। आपने केबीसी में सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछा, आपने कहा था कि जो आपका प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है ऐसा उसने आपकी बहुत मदद की है, ऐसा आप उसकी मदद करना चाहते हैं प्राइमरी आपके डिपार्टमेंट, ऐसा तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट ने आप ओलंपिक खिलाया उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जॉब है कि बच्चे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना। मेरा डिपार्टमेंट जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हम लोग स्कूल के जितना भी बच्चे लोग हैं वो लोग के लिए इवेंट्स कंडक्ट करना है, वो लोगों को नेशनल्स भेजना है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि बेस पे जब स्कूल लेवल से ही बच्चे लोगों को अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर आपको फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से और अपॉर्चुनिटीज़ देना है बच्चे लोगों को, सिखाना है, और सिर्फ सिखाने का नहीं है, वो लोगों को बताना है कि क्या होता है यहाँ पे। ओलंपिक्स नॉर्मल है, हम लोग हॉकी खेलते हैं, साल भर हम लोग हॉकी खेलते हैं, बट जब हॉकी ओलंपिक्स में आने के टाइम आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो बच्चा लोगों को सिखाना है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, और बचपन से वो चीज़ सिखा के आएगा तो वो लोग को आगे आके बहुत ईजी हो जाता है। एक सेकेंड, बाकी लोगों से भी कुछ पूछो प्लीज। जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ आपका जो मैच था उसमें बिल्कुल वो हमारा डिसाइडेड मैच था, और अगर वो हम हारते तो शायद आज यहाँ ना बैठे होते। तो हमने जब टाइम आउट हुआ, अमित को रेड कार्ड हुआ, तो सबने हम इकट्ठे हुए सभी प्लेयर, हमने एक ही बात बोली थी कि ये मैच नहीं हारना है चाहे आगे कुछ भी हमारा। तो सब ने, शायद एक प्लेयर ने दो काम किए उधर, सब ने डबल ड्यूटी की, डिफेंस से लेके मिडफील्ड से लेके फॉरवर्ड ने,
और वो आपने सबने देखा ही है मैच, बड़ा अच्छा मैच था। और जीतने के बाद हमारी टीम जी बिल्कुल बिल्कुल टूर्नामेंट बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा मैच था। उसके बाद हम सेमीफाइनल में आए, हम अनलकी हार गए मैच। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि खाली हाथ लौटेंगे, और सब ने श्री भाई के लिए बोला था कि श्री भाई का रिटायरमेंट है और ये हमारे लेजेंड है, तो बोले थे कि श्री भाई के लिए खेलना है, हारना नहीं है, तो जीते और श्री भाई के लिए। से अभी मैं कुछ भी बोलो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़, क्योंकि ओलंपिक्स इज नॉट नॉर्मल प्लेटफॉर्म, इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ एन एथलेट्स एंटायर लाइफ, क्योंकि वो जिंदगी भर एक ही चीज़ को सपना देखते काम करते आ रहे हैं कि अरे यार मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। 16 आपको पता है कि पोगट का थर्ड ओलंपिक्स है, डेफिनेटली पिछले दो बार भी इतना अच्छा नहीं हुआ, बट इस बार तो मेडल मिलते मिलते पता नहीं अभी कहाँ पर रह गया। इट्स अ टफ सिचुएशन and I believe that she is a fighter, she is she understands the situation, she managed it really well. Main mila tha village mein, she was laughing, but still I know that she is hiding her that feeling you know with that smile, but it's quite hard for any sports person. If you ask me how do you feel if you don't get a medal, then the same scenario is going with her. It's a mental trauma, but I hope she will manage it and she is ready to take any decision taken by the court, but I hope she's an example for everyone. Yeah, seriously, I mean sirf wrestling ke liye nahi, but the entire country, for any kid who wanted to pick up any sport, this is what we want. Win or lose, you are there, you are a star, you done your better performance, you showcase the world that what you can, what caliber you got, what culture you have and how tough you are, and she showed that. That's enough. You know, hum India mein to yehi bola tha, are yaar kya chahiye, medal miss ho gaya, but हम लोग है 1.4 बिलियन पीपल, डेफिनेटली हमारा दिल तो जीत गया, वी आर विद हर फॉर श्योर। मेरा सवाल आपसे, आप डिफेंडर हो, सीडीएस के पास हमेशा रहते हो, तो सीडीएस तो वॉल कहते हैं, मैं तो उनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तौर पे नौकरी का है, आप डेप्यूटी हो, तो अभी सीडीएस खेलने वाले नहीं, तो आप कैसा जब फील्ड पे जाओगे, तो आपके फीलिंग्स क्या रहे? उस जगह को मिस करेंगे लेजेंड भाई लोग, लेकिन जो भी हमारा प्लान रहता है, जो हमारा किसी डिफेंस हो या डिफेंडिंग में जितने भी हमने प्रैक्टिस करते हैं वो मिल के करते हैं, और भाई के लिए ऑलवेज मिस रहेगा इस जगह को, और भाई के लिए हमने रिटायरमेंट गिफ्ट दिया लेकिन हमारे साथ ऑलवेज है, जब से भाई ने स्टार्ट किया 20 ईयर्स वो देश के लिए खेला है, और आज भाई ने बिफोर स्टार्ट होने से अनाउंसमेंट कर दिया, जितने भी भाई ने कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए बहुत अच्छा दिया है, और उसको हमेशा याद करेंगे, जितने भी यंगस्टर और जितने भी आगे देश के जो भी खेलेंगे गोल्फर्स उसके लिए भी क्या बोलूँगा कि एग्जाम्पल बन जाएंगे। yes. तो ये बहुत अच्छी बात है भाई ने जो देखे जा रहे हैं, और ये जो मेडल हमने भाई के लिए सभी देशवासी के लिए खेले और स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है सीरीज के लिए? एक कोई मोमेंट सीरीज के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे कि अनफॉरगेटेबल हो गया, कोई मजा किया आपको? हर बार साथ में भी रहते हैं, मजाक मस्ती हमेशा रहता है और टीम को बूस्ट करते रहते हैं, तो ये आगे आने वाला मिस करेंगे ऑलवेज। सभी एजेंट को एग्जांपल ऐसा अगर दे तो मेमोरीज विद सजेशन। अभिषेक को बहुत बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। अभिषेक बता, बोल बोल है कुछ भी देना। नहीं, मैंने सिर्फ ये लोग को इसलिए कि जिस बोला तुम लोगों ने मेरे ऊपर एक गोल मारा ना, तुम
गोल का किसी का गोलकीपर के गोल मार सकते हो तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, बट गोल मारता नहीं। बता भाई संजय। वेरी गुड संजय। जब भी मैं कभी पीसी पेनल्टी कॉर्नर की जब भी प्रैक्टिस करता था मैं, तो बहुत से ड्रैग आपके बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते हैं, तो भाई साहब कभी थप्पड़ मार देते थे बॉल पे और हमेशा बोलते क्या माचा मेरा लड़का भी रोकने आ गया। फिर आप अगला ड्रैग मारते हो फिर वो दिमाग में रहता है कि यार भाई ये इज्जत कर दिया, वो फिर आपका टारगेट पे नहीं जाता है, वो फिर बहुत सी बार होता है, तो वो मैं हमेशा मिस करूँगा।